नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का दावा है कि कोरोना के बीच जारी लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों और गरीब गुरबा लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से लगातार राहत पहुंचाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है और इस दौरान करोड़ों लोगों की मदद की गई है। उन्होंने बताया कि गरीब लोगों को 15 किलो अच्छी क्वालिटी के चावल के साथ 3 किलो अरहर का दाल मुहैया कराया गया है और इन सब पर सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। आइए सुनते हैं डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने और क्या कुछ कहा। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस लॉकडाउन के दौरान बिहार के गरीबों को 11,744 करोड़ रुपए की मदद की है। मैं राजद और कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहता हूं, इसके पहले भी बिहार और देश में बताई है, वो बताए कि बिहार के गरीबों को कितनी मदद मिली। अगर मैं बताना चाहूंगा, इस 11,744 करोड़ रुपए की मदद में केवल 6,024 करोड़ रुपया का मुफ्त खाद्यान्न बिहार के गरीबों को वितरित किया गया है। बिहार के अंदर 8,71,00,000 की आबादी यानी स्त्री और पुरुष, उनको अप्रैल, मई और जून इस 3 महीने का 15 किलो चावल मुफ्त में दिया गया है और जिस चावल की कीमत बाजार मूल्य होगा 28 रुपए से लेकर 30 रुपए प्रति किलो, तो इस प्रकार 8,71,00,000 बिहार के गरीबों को 15 किलो चावल मुफ्त में दिया जा रहा है और जिसकी कुल कीमत होगी 5,57 करोड़ रुपया। और अभी जब बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर लौट रहे थे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया कि बिहार के 86,40,000 प्रवासी श्रमिक या जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनको भी मई और जून इन 2 महीनों का 10 किलो चावल प्रति व्यक्ति को दिया जाएगा और इस चावल की कीमत है 337,15,00,000 रुपया। उसी प्रकार पहली बार बिहार के गरीबों को जन वितरण के माध्यम से मुफ्त में दाल की आपूर्ति की जा रही है, वो भी अरहर की दाल जिसकी बाजार कीमत 120 रुपए प्रति किलो। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 1,68,00,000 गरीब परिवारों को 3 किलो दाल, अरहर दाल मुफ्त में देने का ऐलान किया है और ये दाल का वितरण भी प्रारंभ हो गया है जिसकी कीमत करीब 610 करोड़ रुपए होती है। और जब बिहार में बड़ी संख्या में श्रमिक आ रहे थे तो उनको 5 किलो चावल प्रति माह के साथ साथ उनको 1 किलो चना प्रति माह, कुल 2 किलो चना और देने का ऐलान किया गया जिसकी कीमत है 20 करोड़ रुपया और इस चने का बाजार मूल्य जो है ये प्रति किलो 60 से 65 रुपया प्रति किलो है। और इस प्रकार पहली बार बिहार के गरीबों को 6,024 करोड़ रुपया से ज्यादा किए कि मुफ्त खाद्यान्न की सहायता दी जा रही है। और ये राजद कांग्रेस के लोग जिनके जमाने में जब बाढ़ आती थी तो महीनों तक लोगों को 5 किलो गेहूं तक नहीं मिल पाता था और आज वो नरेंद्र मोदी की सरकार पर उंगली उठा रहे हैं। ये तो केवल जो मुफ्त खाद्यान्न वितरण किया गया उसका मैंने जिक्र किया है। कल मैं जिक्र करूंगा कि बिहार के अंदर जो लोगों को नगद सहायता दी जा रही है डीबीटी के माध्यम से 5,719 करोड़ रुपए की जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर गरीबों के खाते में जो पैसा दिया गया है उसकी चर्चा मैं कल करूंगा, लेकिन आज इन दोनों राशि को मिलाकर कुल 11,744 करोड़ रुपया बिहार के गरीबों को केंद्र की सरकार के द्वारा मुफ्त खाद्यान्न के मद में और नगद सहायता के मद में किया जा रहा है।